तो दोस्तों YouTube पर चैनल ओपन करने से पहले सभी के माइंड में यही चलता है कि हम चैनल तो ओपन कर लेंगे लेकिन चैनल का नेम क्या रखें। तो यही टेंशन होती है कि चैनल का नेम सिंपल होना चाहिए, एकदम यूनिक होना चाहिए और एकदम सिंपल सर्च करना भी आसान होना चाहिए। तो यही सोचते सोचते वो परेशान हो जाते और फिर वो चैनल ही ओपन कर नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम YouTube का नेम जब सर्चते ना तो क्या बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो अगर आप सभी के साथ भी ऐसे ही सारी बातें होती है तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। सो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी आप YouTube का चैनल का नेम सोचते हो ना तो आपको ये दो बातें हमेशा याद रखनी है कि आपका चैनल का नेम एकदम छोटा हो, एक या दो वर्ड का हो ताकि वो इजीली सबको याद रह जाए। अगर आप चैनल का नेम बड़ा लिखोगे तो किसी को याद नहीं रहेगा और कोई भी सर्च नहीं कर पाएगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका चैनल का नेम है उसके अंदर आपको कोई नंबर या फिर @ नहीं डालना है ताकि किसी को याद नहीं रहेगा वो और फिर वो कोई भी सर्च भी नहीं कर पाएगा। और हाँ, अभी सेकेंड टिप, जो आप नेम सोच रहे हो वो एकदम यूनिक होना चाहिए, वो नेम का कोई और चैनल नहीं होना चाहिए, आपका नेम किसी सेलिब्रिटी मूवी या म्यूजिक पे नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे सेम नेम रख देते हो तो फिर आप जब भी सर्च करोगे या कोई और भी सर्च करेगा आपका चैनल का नेम तो आपका ऊपर नहीं आएगा, वो सेलिब्रिटी या मूवी या म्यूजिक उसका ही आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका नेम सेम नहीं होना चाहिए किसी और की तरह। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि जो भी आप नेम रखने वाले हो तो सबसे पहले वो नेम आप YouTube पर सर्च कर लो कि किसी और का वो नेम है तो नहीं है। अगर किसी और का है तो फिर आप चेंज कर लो, वो नेम मत रखो। तो चलो मैं मेरे नाम का भी चैनल का आपको इजीली बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझेगा। तो बस इसके लिए हम YouTube ओपन कर लेंगे, YouTube पे हम अपना नेम सर्च करेंगे। तो देख सकते हो चैनल का नेम सर्च करने पे मेरा ही चैनल सबसे ऊपर आ रहा है, किसी और का नहीं आ रहा है। और अगर हम भरत खट्टिक की जगह भरत किचन लिखते हैं हमारे चैनल का नेम तो फिर हमारा चैनल नहीं आता है, किसी और का आता है जो कि ऑलरेडी फेमस है, भरत जेड किचन हिंदी, उनका ही चैनल ऊपर आता। तो आपको इस तरीके से गलती नहीं करनी है। तो चलो मैं आपको चैनल के नेम के सेटिंग भी आपको बता देता हूँ जिससे कि आपका चैनल कोई सर्च करेगा तो सबसे ऊपर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम में अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना। तो यहाँ पर मैं क्रोम के ऊपर क्लिक कर दूंगा, चैनल कस्टमाइजेशन पे जाना है तो बस आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। तो नीचे लास्ट में आपको चैनल सेटिंग के दिख रहे हैं तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, सेकेंड चैनल के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स मैंने डाले ना उसी तरीके से आपको अपने चैनल के कीवर्ड्स डालना है, आपको अपना चैनल का नेम डालना है। जैसे कि मैंने डाला है भरत खटिक कुकिंग वीडियो एडिटिंग वीडियो अर्निंग कुकिंग चैनल अर्निंग, आपके अपने चैनल के हिसाब से कीवर्ड डालने हैं। जैसे कि रेसिपीज़ हो गया, कुकिंग रेसिपीज़ हो गया, स्नैक रेसिपीज़ हो गया, इसी तरीके से आपको कीवर्ड डाल के सेव कर देना है। एट लास्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको अपने चैनल का नेम छोटा रखना है, यूनिक रखना है ताकि वो सबका याद रहेगी और कोई भी सेम नेम नहीं होना चाहिए यूट्यूब पर उस नेम का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सही हो नारा।